तक जैसे घर का एक इवेंट हो, जस्ट लाइक वेडिंग सेरेमनी की 3 दिन से हम लोग मिले, एक साथ खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं और कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं. पर अब टाइम है कि हम कुछ ऑब्जर्वेशंस भी लें और कुछ सजेशंस जो हमारे समक्ष हमारे सब विद्वान लोग हैं आपसे. तो उसमें सबसे पहले मैं प्रोफेसर रामगोपाल सर को बुलाना चाहूँगी. सम्मानित पंच, आपने ने ठीक ही कहा, 3 दिन में साइंस में तो सैचुरेशन होता है, ओवर सैचुरेशन होता है, उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है और स्टेट से आउटबस्ट हो जाता है. फ्रेंड्स, एज अ साइंटिस्ट आई वुड लाइक टू जस्ट पुट नॉट मोर देन 3 to 4 minutes. इट वॉज रियली इन डीड मोर देन 100 papers, मोर देन 100 participants फ्रॉम फ्रांस, USA and many countries. It became an international conference. मुझे लगा मैं तो विज्ञान भवन में जैसे बैठा हुआ हूँ. सारी गतिविधियाँ, सारे कार्यक्रम जैसे डॉक्टर कलाम या बड़े साइंटिस्टों के साथ होते थे उस वजह से किए, सारी प्रतियोगिताएँ हुई और इतना अच्छा आयोजन, इतना अच्छा. भारतीय विद्या भवन के बाद दूसरा यह स्थान ऐसा लगा जहाँ पर दो हम लोगों ने सारे, ऐसा कोई विधा नहीं थी. प्रोफेसर भूदेव शर्मा जी ने जब ये एज ए फाउंडर प्रेसिडेंट रखा होगा तो उन्होंने कहा था कि दे टू प्रमोट वैदिक एंड एंशियंट इंडियन स्टडीज इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड ऑल कंट्रीज, टू कंडक्ट मल्टी डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज फॉर रिसर्च एंड स्टडी ऑफ वैदिक एंड एंशियंट इंडियन ट्रेडिशंस. मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ उनके सपने को, उनको उसको हम सभी लोगों ने विभिन्न विषयों में विभिन्न तरीके से, और आज जो मेरे फ्रंट पंथ में पीछे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, एवरी वन इज एन इंस्टीट्यूशन इन हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ. सब लोग कोई ना कोई सोसाइटी, कोई ना कोई संस्थान चला रहे हैं, तो क्या करना चाहिए. आगे अब 22 साल में तो लड़की जवान हो जाती है, विवाह करना पड़ता है. अभी काम करते करते देखिए क्या शारीरिक स्थिति, घुटनों की स्थिति, बुद्धि की स्थिति हुई है. यू शुड लुक फॉर दी सेकेंड मैनेजमेंट ऑल्सो. मैं कुछ सजेशन ये देना चाहता हूँ, जैसे वेल्थ रिसर्च काउंसिल बने या कोई थिंक टैंक बने, और ऐसे कॉन्फ्रेंसेस के बीच में कुछ हम लोग टैग्स बनाएं, टेक्नोलॉजी एडवाइजरी ग्रुप्स. इट इज़ नॉट पॉसिबल शशि जी अलोन और द अपर्णा और द रणवीर अलोन टू डू सच ए मैसिव जॉब. जहाँ पर वृद्ध लोग हैं, सीनियर लोग हैं, शर्मा जी ऐसे लोग हैं, 4-5 लोग, इनके घर में जाकर मीटिंग करें, ललन प्रसाद जी के घर में मीटिंग करें संभव हो, तो क्या करना चाहिए इस पर अलग अलग. अब देखिए, एज ए साइंटिस्ट और रिसर्च साइंटिस्ट होने के कारण, चीफ कंट्रोलर होने के कारण, DST का चेयरपर्सन होने के कारण, मैंने ये देखा कि अगर विज्ञान के साथ में, देखिए गोवा से आए हुए कितना मूर्धन्य काम किया हुआ गया, यहाँ से आपने कितना अच्छा सामर्थ्य के बारे में जो कहा कि डीप इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड, दैट इज वॉट राज वेदम सेड. आई विल से राजर्श वेदम हैस्टर सेड, राजर्श वेदम. सो फ्रेंड्स, क्या हो इस दिशा में, छोटे छोटे ग्रुप्स बन के क्या हो सकता है. जो नए बच्चे आए हैं उन्होंने बहुत अच्छा तैयारी की, बहुत अच्छा पढ़ा, उनमें लीडरशिप हो, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो, प्रोनाउंसिएशन की बात हुई, एक बात हुई. दूसरा ग्रुप जो हो, जो सीनियर ग्रुप है, उस सीनियर ग्रुप में आपने कुछ रिसर्च की बात. तीसरा ग्रुप होना चाहिए इनोवेशन का ग्रुप, जहाँ एक्सपेरिमेंटल तथ्य भी जुड़े, चाहे यज्ञ की बात हो, विज्ञान की बात हो, चाहे जितने स्पेक्ट्रल स्टडीज की बात हो. मेरा कल लेक्चर था ये वहाँ पर MET में, मैंने कहा इतने पानी के 4 पात्र लिए गए, एक पात में गाली दी गई, एक में ओम का उच्चारण किया गया, एक में गायत्री मंत्र बोला गया, और सारे के जब चित्र मॉलिकुलर लेवल पे खींचे गए तो अलग अलग गए. चरणामृतम होता है जगत गए, द्वादश ज्योतिर्लिंगम के जो पानी होता उसकी स्पेक्ट्रल स्टडीज की गई हैं. जो कुछ आपने गोवा में स्टडीज की, ये प्रभाव यज्ञ का हो रहा है, ये प्रभाव हो रहा है, इन सब को मिलकर छोटे ग्रुप बना करके अगर प्रोग्राम बनाएंगे तो DST मल्टी प्रोट देती है. प्रोजेक्ट होती 5-10 लाख के होते हैं, तो अलग अलग एरियाज में ह्यूमैनिटीज के ग्रुप हों, साइंस के हों, इंजीनियरिंग के हों, जैसे बायो एनर्जी के हों, वैदिक हों, तो इसके दिशा में मैं चाहता हूँ. और एक लॉजिस्टिक, अभी जो बच्चे आए हैं, डायमंड भी रहा था तो कोई वक्त नहीं. इंजीनियर में कहते हैं डेवलप द कटिंग एजेस बाई चीजलिंग पॉलिशिंग, तराश के अच्छे कैसे किया जाए. कुछ बच्चों को हम चुने और चुन करके उनसे एक शपथ पत्र लें कि हम वेव्स के साथ 10 साल जुड़े रहेंगे या 20 साल जुड़े रहेंगे, उनकी 2-4 वर्कशॉप करें और उनको लेखन से लेकर वर्कशॉप करने से लेकर के और
आर एन डी कलाओं से आर एन डी ओरिएंटेशन रिसर्च प्रोग्राम जो यूजीसी करती है, बहुत फंडिंग है, सरकार के पास बहुत पैसा है, थोड़ा जो मार्गदर्शन की आवश्यकता है हम सीनियर लोग जुड़ सकते हैं, इस प्रकार से करें, ये सेंटर ऑर्गेनाइजेशन सोचे इस दिशा में करें। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस सफल आयोजन के लिए, बहुत अच्छे भोजन व्यवस्था थी, लेकिन जो हाई टी और वेरी डिप्टी टी थी वो बहुत ही लाइट टी थी, मुझे लगता था मैं घर से खाने का डब्बा लेकर आता चाय में तो शायद ज़्यादा अच्छा था, लंच वगैरह बहुत ही सुंदर था, और ऑटो विजुअल के प्रोटेंशन में मुझे बड़ा दुख है, इतना मेहनत से हम बनाते हैं और इतना कोई दिखाई नहीं देता है, कृपया अगली बार से फुल स्क्रीन कहीं पर हो, दो जगह स्क्रीन होना चाहिए, कितना देखे लोग पैसा करके आते हैं, वो करते हैं, महीनों करते हैं, दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं पड़ता, इस पर बहुत बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। सारे IITs में देखें, एम्स में देखें, मैं जाता हूँ विजिटिंग प्रोफेसर वहाँ पर हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हूँ, इस पर सरकार खूब आगे बढ़ता है, न हो आप हम चंदा देने को तैयार हैं, अच्छा सिस्टम होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। शशि जी को और सारे आयोजकों को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, इतना भागीरथ काम था जिन्होंने इतने सफल ढंग से किया, और आप सभी की ओर से इनको मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि बहुत बहुत आयोजन सफल रहा, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपने जो अभी थिंक टैंक की बात कही वही हमारे वेब्स USA के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी ये बात को कह रहे हैं, काफ़ी टाइम से इस बारे में बात चल रही है कि हमें एक वेब्स का थिंक टैंक बनाना चाहिए, और जिसमें आप जैसे बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं वो ऐसे ऐसे आर्टिकल्स वगैरह और ऐसे ऐसे सजेशन दें जिससे कि आगे आने वाले रिसर्चर्स के लिए हेल्पफुल रहें, और इसी के उसमें आप सब जानते हैं वेब्स का ब्लॉग जो है वो कुछ इस काम को कर भी रहा है पिछले 3-4 सालों से, और आपको जानकर खुशी होगी कि अब 40,000 व्यूअर्स उसके बढ़ चुके हैं, अब तो ओवर 40,000 उसके व्यूज़ हो गए हैं, और इसी तरह यूट्यूब चैनल भी है उसके भी अबाउट 400 सब्सक्राइबर्स बन चुके हैं, तो ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है। इसी को आगे बढ़ाते हुए स्टूडेंट्स में से मैं तहसीन मांगल हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर, उनको मैं बुलाना चाहूँगी उनके व्यूज़ के लिए। रेस्पेक्टेड टीचर्स एंड माई फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं 2014 में फर्स्ट आया था, ऐसे ही मुझे फेसबुक में या शायद किसी में एक जगह में मिला था कि वेब्स के कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, तो मैं बहुत सारे कॉन्फ्रेंस में गया हूँ, लेकिन मुझे फर्स्ट टाइम ऐसे एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पर मैं अपना शोध पत्र रिसर्च पेपर को ढंग से रख सकता हूँ, और इतने सारे रिनाउंड स्कॉलर्स मिलते हैं, मतलब मिला था फर्स्ट टाइम यहाँ पे, सिर्फ वैदिक फील्ड से नहीं जो साइंटिफिक एस्पेक्ट से भी काम कर रहे हैं, या बहुत सारे मतलब फील्ड पे जो काम कर रहे थे उन सारे विद्वान से मेरा मुलाकात हुआ था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो उस बार से मैं हर साल में वेब्स के लिए इंतजार करता हूँ, और इसका पूरा श्रेय मैं अपर्णा दी और शशि तिवारी मैम को देना चाहता हूँ कि शशि मैम ने एकदम जब देखता हूँ तो मैं माँ की तरह लगते हैं। एक बार JNU में होना था कॉन्फ्रेंस लास्ट टाइम इंटरनेशनल, तो मेरा पेपर कैंसिल कर दिया गया था जो भी हो, लेकिन फिर JNU से भारतीय विद्या भवन में शिफ्ट किया गया, मैम से हरिद्वार में हम मिले थे, तो मैम को मैंने कहा कि मैम वहाँ से रिपोर्ट ये आया कि आर्टिकल में छपने के लिए योग्य है लेकिन प्रेजेंट नहीं कर सकते, मेरे समझ में नहीं आया कि किसने लिखा था, मैम को मैंने फिर दोबारा भेजा, वो गायनोकोलॉजी के ऊपर था, गायनोकोलॉजी का नॉलेज इन अथर्ववेद, तो अथर्ववेद में मेडिसिनल मटेरियल बहुत मिलते हैं, और ये मेरा रिसर्च पेपर भी है, और खासकर के अपर्णे भी बोल रहे थे कि ये शादी की तरह लग रहा था, शादी तो है लेकिन ये नॉलेज की शादी है, साइंस वाले वेद वाले आर्ट्स हर फील्ड के लोगों के एक मेल होता है, तो थैंक यू मैम, और मैं जब तक हूँ मतलब अलीगढ़ में हूँ जहाँ पे भी हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि यहाँ पे आने के लिए, और आप सबका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मौका दिया, थैंक यू। थैंक यू तहसीन। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए मैं प्रोफेसर भूदेव शर्मा सर से अनुरोध करती हूँ कि वो यहाँ आए और हमें अनुग्रहित करें। इतना सुंदर कार्यक्रम देखने के बाद
मेरे मन की स्थिति आप समझ सकते होंगे कि वो कितना इसको प्रमोदित करिए कच करिए और कितनी ही चीजें दिमाग में आई थी। एक तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर जो एक हमारा यंगर ग्रुप है जिसको हम लोगों ने एक संज्ञा भी दे रखी है तरुण तरंग, वो मैं देखता हूँ कि अच्छा एक्टिव हो रहा है, उससे मुझे बड़ी पसंदीदा होती। मैं आपको बताती हूँ, दूसरा ये है कि जो एक बार बार इससे जुड़ता है वो बने रहना चाहता है, सोचता है कि ठीक है अगर वेव्स की कॉन्फ्रेंस होगी कुछ इस तरह की चीज होगी तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगा। ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि आप आए और आप मिले और उसमें किसी तरह का ये नहीं लगता है कि क्या हुआ कुछ पता नहीं है या मैं तो थोड़ा सा कुछ ही बात पर लोग छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं और सब हो जाते हैं, ये अपने आप के आप ही देखिए। पुराने हमारे यहाँ ये था कि अगर किसी की शादी हो रही तो वहाँ दो चार रिश्तेदार लोग मिल जाते थे किसी न किसी तरह से अच्छा झंझट खड़ा कर देते थे। तो इस तरह की एक्टिविटीज ग्रुप एक्टिविटी का कई बार वहाँ जैसे अमेरिका में रुका और वहाँ ये आइडियाज डेवलप हुए, तो वहाँ एक बार डेवलप हुई थी शुरू से जिसको मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। एक जो बात मैंने कही उसको कहा कि हमारे पास में कौन सी चीज हम जिसको कुछ पता नहीं, ज्यादातर लोग आज हमारे जो नवयुवक या और जो मिडिल एज लोग हैं उनको वेद का नाम चारों शायद बहुत कम लोगों को पता होंगे और होगा तो बहुत कम के पास, उनका टच नहीं है और ये परेशानी और बढ़ रही है क्योंकि नाउ सॉफ्टवेयर मेरे अपने रिश्तेदार हैं बच्चे जो सब सब अपना कंप्यूटर वगैरह, मैं कहता हूँ घर पर कितनी किताबें रखी हुई हैं, डैडी एंड पापा एंड दिस एंड दैट एंड ऑल दैट, you know, we have soft copies and all that. I tell them, don't just keep the soft copies, fine. But do keep in your books, on your bookshelf, some books, and those books could be naturally a good guide. मैं उनको कई बार एग्जाम्पल देता हूँ कि अमेरिकन सिस्टम में एक बात है, किसी भी टॉपिक पर ले लीजिए जो आपको डे टू डे यूज का है, मान लीजिए किसी लेडी के बच्चा होने वाला, तो वो किसी बुढ़िया के पास जा करके या उस सबसे नहीं करेगी, उसको पता लगेगा वो जा करके बुक स्टोर में जा करके 2-3 बुक्स रिटन बाय अथॉरिटीज वेरी गुड बुक्स शी विल परचेज, शी विल रीड एंड फॉर कंसल्टेशन वगैरह भी उससे करेगी। तो धीमे धीमे क्या हुआ है कि वहाँ का जो समाज है, जो हमारे यहाँ रामायण और तमाम चीज़ें लोगों को पता होता था और शेयर करते थे एक दूसरे से कहते थे और उनका अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे और सब है, वो वहाँ एक बड़ा डिफरेंट लेवल पर पहुँच गया है, बहुत बड़ा समाज तमाम उस तरह का। मैं शायद तब इंटरमीडिएट मैंने पास किया था तो मुझे उस वक्त आई गॉट अ बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी, सम ऑफ यू मे हैव सीन दैट बुक। American behavior has deep rooted effect of this single book, How to Win Friends and Influence. How you talk, how you behave, how you conduct yourself and behave. That book is has become now more or less like Ramayana used to be, ke koi aaya hai to usko kahan tak chhodne jana hai, kya usse kehna hai, kya karna hai. That was the guide. Wo, those guides are now vanishing in reality and all that. दूसरा मुझे लगता है कि हर एक के दिमाग में एक बात है क्योंकि उसके पास न वेद है न वेद उसके पास में उसने देखा है, वेद का नाम जरूर सुन रखा है, हम लोग कहते हैं he does not know कि क्या वेद ने दिया है, कभी कभी पूछ बैठता है कोई, हम उसको जवाब दे देते हैं ये बड़ा असल में बड़ा एक
जो जवाब हम उसको देते हैं उससे उसकी समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि हम कोई शब्द कह देंगे जिसका वो जानता नहीं कि क्या है, तो उसके समझ कुछ समझ में नहीं आता। मैं वहाँ थोड़ा यूएसए में जब इस तरह का हुआ, वहाँ हम लोगों ने थोड़ी एक्टिविटीज बच्चों के लिए भी की थी, एक बहुत बड़ा एक हमने कन्वेंशन किया था न्यू जर्सी में, जिसको बाद में तमाम जो बड़े बड़े धर्माधिकारी लोग हैं उन लोगों को बुला करके किया था। तो उस वक्त ये हुआ था कि बच्चों के लिए किस तरह से हम करें, उसमें एक दो सुझाव मुझे मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। उसमें कहा था कि हम वेदों को पढ़ाने के बजाय उपनिषदों को ले, उपनिषदों की कहानियों को ले। ठीक है, अभी तक जो है कहानियाँ हमारे यहाँ उपनिषदों की लिखी गई हैं अवेलेबल हैं, लेकिन करेंसी में नहीं, दे आर नॉट करेंसी। तो उपनिषदों एंड उपनिषद अप्रोच इज यू नो इज इज वेरी क्लियर अप्रोच, यू नो वेरी डेफिनेट क्वेश्चंस एंड देन रिजोल्यूशन ऑफ दोस पर्टिकुलर क्वेश्चंस एंड ऑल दैट एंड ऑल दैट। So that would, I myself recalled at that time that the first book which I read about Upanishad and all that, Ekadasho Upanishad, you know, by Satyavrata Siddhanta Alankariya, unki Siddhanta Alankariya, wo 11 Upanishad, uske baad mein mujhe pata laga, re ye to sab bilkul warna to tam. And then I naturally, ek pustak mujhe mil gayi thi ki 5 P's for Tagore, philosopher, poet and all that, 5 P's. Then for the first time I learned that here is a person who got Nobel Prize in India. And I made a resolution that I must read everything with Tagore has written. It's voluminous, I tell you. It's not easy, it's not simple, it's like not that. It's voluminous. And I don't claim that I read everything, but I had made a determination and I read through. And particularly, I still recommend, I have shared, sometimes bought the copies and shared with my friends, you know, The Religion of Man. One book which I have recommended, and anybody to whom I have passed on that particular book, other than stories and other things and all that, is one thing that every lesson is, you know, takes you, sochne ki jo wahi hai na, vichar. Vichar is very important. And the world is open for various kind of, you know, creative ideas and the which is type. There are lots of books which are written these days. How many different kind of people in life you meet? There is a certain style, you take a story and all that and build, you know, okay, here is determination, here is, you know, these ideas and all that and all that. So on such matters, there is a lot of material in our Vedic literature. On Gita, there is a shloka which says that there are 9 kinds of people with you, Sukhrana Mitra, Ariyuda, Asina, and all that. 9 kinds. And then you can go and detail what is Sukhrana, what is Mitra, what is Udasina, what is, you know, and all that. And this can become a very, very kind of a good explanation of the kind of things which are like in society. There is a certain section of the people who are doing engineering and other things, and they are looking for some professional kind of, you know, super guides and all that and all that. There is another issue up there. What is not a good type of worker? Teen tarah ke gun hain jo hamare paas mein, usme jo kharab jo वर्कर है वो क्या है? एक श्लोक के अंदर वो सब चीजें आ जाएंगी जो आपको स्ट्राइक करेंगे। अयुक्त है, कमिटेड नहीं है, अयुक्त है, प्राकृत है, ट्रेन नहीं है, अयुक्त है, प्राकृत है, स्तर दो नैश कृति को अलस है दिशादी दीर्घ सूत्री च करता तामसिक स्थिति। एक एक चीज को आप एक्सप्लेन करने लगी है तो आपको लगेगा कि तमाम, अरे किसी को भी स्ट्राइक करेगा आप पूरा वो चीज थोड़ा वैल्यू होगी उसका, समझेगा वो, समझेगा कि हाँ ये चीज है। अगर उसने श्लोक याद कर लिया तो वो कभी आपको उसका मन होगा कि मैं थोड़ा और अपने आप पढ़ लूँ गीता या कुछ और चीजें। तो ये जो इस तरह की चीजें हैं, मैं उनको थोड़ा ये महसूस करता हूँ कि कभी कभी जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं
जो थोड़ा एक परिपक्व स्थिति में पहुंच गए हैं, तो उनको थोड़ा सा एक ये एक आस्पेक्ट, क्योंकि आज की डिमांड बहुत डिफरेंट है। स्टूडेंट्स जो आज कल यहाँ निकल रहे हैं, दे आर नाउ जो तमाम के तमाम, मैं वो उन लोगों में हूँ 1970 में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा बिग फ्रेम कंप्यूटर लगा था, तो मैं उसको यूज़ करता था, उसके तमाम चीज़ें जो पहला कंप्यूटर फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में लगा था, और मेरे साथ में एक कम से कम आदमी ऐसा था जो रिसर्च किया था कि उन चीज़ों पर हमने काम भी किया था पीएचडी के। आज मैं जो मेरे सॉफ्ट ये जो मेरे पास में फ़ोन है, इसमें इतने फंक्शन से इतनी चीज़ें हैं कि मैं उनको ठीक से जानता नहीं, बच्चे से पूछता हूँ ये बताओ। सो इस ए वेरी डिफरेंट क्लास ऑफ पीपल दैट यू आर डीलिंग विद, पर्टिकुलरली अमंगस्ट ये यंग जनरेशन। उसको हमने आज तक ये सोचिए कि कहाँ तक उसके लिए कुछ किया है, कुछ कोई इस तरह का मटीरियल प्रोड्यूस किया। दूसरा ये है, मैं कभी कभी एग्जाम्पल देता हूँ जो वहाँ मैं करता था, योगा कहीं जाओ अमेरिकन ग्रुप में भी चले जाओ और वहाँ देखो कि एक हिंदुस्तानी आया है, और अगर किसी ने थोड़ी बहुत उचार या थोड़ा इंडियन स्कॉलर है या थोड़ा स्टडी किया है इसका नाम ले दे, तो उनके दिमाग में सबसे पहले योगा मामला आता है, योगा का सवाल पूछो, सवाल पूछना। तो मैंने उनसे पूछा एक बार, एक आध जगह ये हुआ, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए आप जो है वो जैसे, क्योंकि ये थोड़ा फिलोसफिकल पार्ट से निकलता है कि हम जो करते हैं प्राण क्या है, प्राणायाम और तमाम चीजें, प्राण क्या है। अब कोई प्राण को किसी पुस्तक में मिल जाइए, प्राण को एज सच डिफाइन करने का कॉन्सेप्ट देने का कि क्या प्राण है, उसकी क्लियरिटी नहीं। मैंने एक एग्जाम्पल घर ली थी, मैंने उनसे कहा कि टीवी, यू हैव ए टीवी सेट एंड देयर इज अ प्रोग्राम व्हिच इज रिलेटेड फ्रॉम दैट, फ्रॉम द सेट देयर इज समथिंग मोर दैट यू नीड, देयर इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हैज नथिंग, नो इफेक्ट ऑन द कम्युनिकेशन। जो बाहर से प्रोजेक्ट हो रहा है, इसको ब्रह्म मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, जो बाहर से तो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, जो आपका टीवी सेट है वो आप अपने आप को मान लीजिए, और आप जैसे टीवी सेट में एक बिजली का वो लगा होता है, कनेक्शन लगा होता है, वो लगा लीजिए, क्योंकि दैट प्राण इज नॉट, यू नो इज नॉट आत्मा, इज नॉट पंच प्राण एंड ऑल दैट एंड ऑल दैट। आत्मा के लिए कोई पंच प्राण या पांच थोड़ी रिवीजन करेगा नहीं। क्या है कि बिजली अगर काम नहीं कर रही है तो आपका काम नहीं करेगा, प्राण निकल जाते हैं। हम लोग किसी की मृत्यु को कहते हैं प्राण निकल जाते, लेकिन प्राण को वो आमतौर से आत्मा ही मान लेते हैं, आत्मा नहीं है। तो धीमे धीमे मैंने जब उसको थोड़ा बिल्ड करके और तमाम ये किया, तो उनको लगा अब प्राण को कैसे करें, इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो हाँ इलेक्ट्रिक सप्लाई आपकी जो सब लगी है वो अपना ठीक काम करने चाहिए, तो आपकी बॉडी का, फिजिकल बॉडी का और तमाम चीज़ों का ठीक से ऑपरेट होना चाहिए, नहीं तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो ना आपका प्रोग्राम चलेगा ना तमाम चीज़ें चलेंगी। आइडिया वाज सो एग्जांपल्स, एग्जांपल्स ऑफ द टाइप व्हिच कैन मेक एन आइडिया क्लियर टू द पर्संस, दे फील नाउ यस आई नो प्राण, बट प्राण इज नॉट दैट इज प्राण ऑफ कोर्स। बिजली काम नहीं करेगी तो आपका टीवी तो काम नहीं करने वाला, तो प्राण कैन डू दैट व्हाट वी से, बट इससे वेरी डिफरेंट थिंग। उसको ठीक ठीक रखना, अच्छा खाइए, ठीक से एक्सरसाइज करिए, चीज़ें करिए, तो आपका प्राण जो है वो आपकी बॉडी में ठीक से काम करेगा। उसको समझ लीजिए पंच प्राण, अगर डिटेल में जा रहे हैं वो भी मैं डिस्कस कर देता कि देखो ये अलग अलग जो है पंच प्राण तमाम चीज़ें, पूरा टॉपिक बन जाता है। पहली चीज़ यह है कि कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठना चाहिए,